हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टू चैनल। सो आज इस वीडियो में हम हमारा इसमें जो तीन नंबर का प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले दो वीडियो कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने दो प्रोजेक्ट बनाया था। फर्स्ट में था हमारा बटन कलर चेंजर, सेकेंड में इमेज जूम इफेक्ट, एंड जो आज बनाएंगे वो टूल टिप जनरेटर, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम इसमें बनाना क्या है, ठीक है। नाम तो दिया हुआ है टूल टिप जनरेटर, ये है क्या। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, बिल्ड अ टूल टिप डैट अपीयर व्हेन होवर एन एलिमेंट, ठीक है। तो टूल टिप मीन्स कुछ ऐसा बनाना है जिसपे हम होवर करेंगे तो वो दिखना चाहिए, एंड होवर आउट मीन्स होवर वहाँ से हटा लेंगे कर्सर तो वो गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो समझ गए, हमें टूल टिप कुछ भी बना देंगे वहाँ पर चलेगा। और सेकेंड में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ यू कैन पोजिशन द टूल टिप डायनामिकली रिलेटिव टू कर्सर पोजिशन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ट्रिकी है, मीन्स जहाँ पर भी होवर करेंगे माउस का कर्सर जहाँ जाएगा वहाँ से वो एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं माउस का कर्सर लेफ्ट लेफ्ट करूँ तो लेफ्ट जाना चाहिए, राइट करूँ तो राइट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे, थ्योरिकली वो ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। तो चलते अपने कोड एडिटर में और शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पर अपना कोड एडिटर में आ चुका हूँ। सिंपल सा एक मैंने फाइल बनाया है, index.html एंड अपना बॉयलर प्लेट इसमें रखा हुआ है, ठीक है। देन इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर डॉट टूल टिप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये तो बना सकते हैं, उसके बाद टूल टिप, इस टाइप मैंने दो चीज़ बना ली है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। देन थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेंगे, ठीक है। तो सूखा सूखा रहेगा विदाउट डिजाइन का। तो टूल टिप सबसे पहले, वेर इज अ टूल AIP टिप एंड बॉक्स, सॉरी मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं आईफोन और माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। देन सबसे पहले इसका विड एंड डिफाइन कर लेते हैं, विड 100%, तो HTIGHT हाइट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा, ठीक है, ये हो चुका है। देन यहाँ पर मैं जो वो तो दिखेगा तो नहीं अभी, तो इसमें क्या करूँ, बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर कौन सा रखूँ, थोड़ा सा लाइट लाइट ब्लू ब्लू, और हमने जो यूज़ किया हुआ है उसको रख लेते हैं, ठीक है। इतना हो चुका है, और इसको अपने ब्राउजर में देख लेते हैं कि दिख के सर इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हम जब भी यहाँ पर होवर करेंगे इस बॉक्स पे तो कुछ टूल टिप वहाँ पर दिखना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मल मैं इसमें डिज़ाइन क्या करूँगा, जो हमारा टूल टिप है, ठीक है। तो छोटा सा विड्थ दे दूँगा, छोटा सा बोले तो 50 पिक्सल, एंड छोटा सा हाइट भी 50 पिक्सल। तो गोला कर देते हैं, मीन्स सर्कल बना देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50% रखते, ठीक है। देन इसमें बैकग्राउंड कलर कुछ रख दे, व्हाइट रख देता हूँ, जिससे हमारा जो बैकग्राउंड है उससे रिफ्लेक्ट होकर ये दिखेगा। देन हो चुका है इतना, अब देखते हो हमें दिख रहा है कि नहीं हमारा ब्राउजर पे। तो ये हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिस्प्ले नन कर देंगे। इसका लॉजिक क्या है, जब भी हम यहाँ होवर करेंगे तो वो वहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, डिस्प्ले नन, ठीक है। तो डिस्प्ले नन हो चुका है। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट पार्ट स्टार्ट कर दे, तो यहाँ से हमारा मेन चीज़ शुरू होगा। सब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ, जिससे मुझे अपना कोड भी दिखने में इजी होगा, और साइड साइड में जो हमारा कोड क्या काम कर रहा है वो भी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टूल टिप यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, मीन्स दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो बॉक्स है एंड जो बॉक्स नहीं है, मीन्स जो छोटा सा हमने बनाया था, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड यहाँ पर डॉट टूल टिप जो है TOOL TIP, और यहाँ पर मुझे सजेशन क्यों नहीं दिख रहा है बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद एक कॉन्स्ट, मैं इसको अभी इतना बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आएगा तो मैं इस टाइप का कर लूँगा सिंपल, ठीक है। सो कॉन्स्ट टूल टिप इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पर डॉट TOOL TIP, ठीक है। और मैं गड़बड़ कुछ हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टूल टिप PO स्पेलिंग गलत हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये दोनों को चेक करूँगा, ये दोनों मेरा सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो लॉग, और सबसे पहले टूल टिप एंड सेकेंड में, सॉरी लॉग येलो जी लॉग, और सेकेंड में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो टूल टिप बॉक्स है, टूल टिप बॉक्स, तो यहाँ पर हम कंसोल पे चेक करेंगे ये हमारा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा दोनों सेलेक्ट हो चुका है। जो टूल टिप है हमने जो स्मॉल सा कुछ बनाया था, एंड जो टूल टिप बॉक्स है जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है, ठीक है, इसको हटा देंगे। और यहाँ तक हम सक्सेसफुली आ चुके हैं। देन करना क्या है,
तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख लूँगा होवर करने पर, ठीक है। तो होवर मीन्स माउस मूव, ठीक है। तो मैं टूल टिप बॉक्स जो है डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, उसमें लगाना क्या होगा, तो यहाँ पर ठीक है माउस मूव देन एक कॉल बैक एंड इस टाइप का ये कर लूँगा, ठीक है। तो जब भी वहाँ पर मैं होवर करूँ तो क्या हो जाना है, जो टूल टिप है ठीक है उसका जो स्टाइल है जो हमने डिस्प्ले पी एल ए वाई इक्वल टू नन किया था यहाँ पर ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। इतना देन ये आ चुका है एंड देन हम यहाँ से बाहर जाएंगे जब भी, तो वो क्या होना चाहिए, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाना चाहिए, मीन्स गायब हो जाना चाहिए। तो माउस मूव है तो माउस आउट में यहाँ पर रखूँगा एंड ब्लॉक को फिर से नन कर देंगे, ठीक है। देन आउट ऑन आउट नन, तो ये हमारा हो चुका है। तो ये हमने जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में जो कह रहा है ठीक है वो हमने कंप्लीट कर लिया, बट यहाँ पर जो ट्रिकी है वो करना बाकी है। तो एक बार और देख लेंगे यहाँ पर जो हमने बनाया है, एक व्हाइट कलर का ये आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ पर होवर किया ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ जाना चाहिए, और जैसे जैसे मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा, इससे मैं माउस मूव करूँगा ठीक है, उसी टाइप का जो हमारा टूल टिप हमने गोला सा बनाया हुआ है वो यहाँ से मूव करना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें आएंगे ठीक है, और इसका जो पोजीशन है एब्सोल्यूट कर लूँगा, ठीक है सबसे अच्छा एंड हो चुका है इतना ही। एंड जो मेरा क्या कहते हैं पॉइंटर इवेंट होगा उसको यहाँ से हटा देंगे नॉन, ठीक है। तो उसमें कोई पॉइंटर इवेंट नहीं लगेगा। देन 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 हम यहाँ पर आएंगे मूव में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ई ले लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ले लेता हूँ। देन उसके बाद क्या करेंगे, तो ये ब्लॉक हो चुका है। देन उसके बाद जो हमारा टूल टिप है ठीक है, जो स्टाइल है एंड लेफ्ट लेफ्ट है देन इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर बैक टिक यूज करूँगा, ठीक है, और डॉलर का साइन वेर इज द डॉलर और कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो ई है ठीक है उसमें जो क्लाइंट सी एल आई एन टी क्लाइंट एक्स ठीक है बड़ा वाला सॉरी कंट्रोल जेड बड़ा वाला एक्स ठीक है, ये हुआ, ये हो क्या रहा है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक करेंगे और जो ई है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और इसको कमेंट आउट करेंगे, इतना और कुछ नहीं। देन इंस्पेक्ट खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने होवर किया, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मुझे कुछ खूब सारा कुछ ना कुछ मिल चुका है, तो मैं एक को ओपन करूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो इतना सारा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, सॉरी इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, हमें वहाँ पर ई रखा तो ऑल्ट की पॉल्स बबल, तो इतना सारा हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, बट हम कौन सा वैल्यू यूज़ करेंगे ये। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो माउस जहाँ भी जा रहा है एक्स ठीक है एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली जहाँ पर जा रहा है वो यहाँ का वैल्यू दे रहा है, एंड जो वाई में है जो हमारा वर्टिकली जो माउस कर्सर मेरा जहाँ पर जा रहा है वहाँ का मेरा इसको वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वहाँ कितने पिक्सल में वो जा रहा है। देन यहाँ पर लेयर भी है, लेयर एक्स लेयर वाई और लेयर एक्स लेयर वाई क्लाइंट एक्स क्लाइंट सेम तरह काम कर रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पेज एक्स पेज वाई, तो इसमें बहुत सारा चीज़ है, बट हम इसमें क्या कहते हैं क्लाइंट एक्स या क्लाइंट वाई उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो उससे जो हमने यहाँ पर किया हुआ था ठीक है, देन वो अभी देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा विजिबल आ चुका है, बट ये कुछ नहीं हो रहा है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे वैल्यू दे दिया, बट ये वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर क्या कहते हैं हम यहाँ पर ऊपर में वैल्यू को पिक्सल में यूज़ कर रहे, वहाँ पर भी कुछ देना पड़ेगा जिससे उसे पता चले ये वैल्यू क्या करेगा, मीन्स कौन सा टाइप का वैल्यू, ठीक है। तो पिक्सल में रख दिए, आप देखेंगे तो ये अच्छे से काम कर ले जहाँ पर मेरा माउस जा रहा है, बट ओनली हॉरिजॉन्टली एक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ हटाने पर गायब हो जा रहा है, इतना सही है। तो सेम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिए, अब एक्स को वाई करेंगे, ठीक है, बट लेफ्ट से टॉप कर देंगे, ठीक है, इतना और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वाओ मेरा आ चुका है, देख रहे होंगे यहाँ पर जहाँ से जा रहा है और बाहर जाने पर आउट और बाहर जाने पर आउट, ठीक है, इतना। तो सो अब अगर मैं हमारा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि बॉडी वाइट है और जो हमारा टूल टिप है वो भी वाइट है, उसके कारण कहीं वो छुप तो नहीं जा रहा है नीचे आके गायब हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लैक रख दूंगा,
परफेक्ट और कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पर जाते ही आ जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर टच होते ही आ जा रहा है। तो अच्छे से बन चुका है। और यहाँ पर नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर छोटा सा डायनेमिकली ऐड किया है कर्सर पोजीशन को, ठीक है, यानी यहाँ पर माउस आउट है, ये डिस्प्ले नन हो जाने चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्ले नन, तो यहाँ पर सारा खेल ही खत्म। इसको हम ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते, 0-0 रख नहीं सकते, ठीक है। तो देन और इसमें कुछ करना है, मैं इसमें कर कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर ट्रांजिशन लगा दूंगा जिससे हमारा जो है स्मूथ स्क्रॉलिंग हो, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल 0.1 सेकंड, कुछ नहीं इतना सा, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ थोड़ा सा स्मूथ स्क्रॉलिंग है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और कुछ रख सकते हैं, जैसे इज इन आउट, ठीक है। तो इज इन आउट थोड़ा सा लेट काम कर रहा है, सो ओनली इज अच्छे से काम कर रहा है। मैं यहाँ पर लीनियर भी रख सकता हूँ, ठीक है, बट कुछ नहीं रखने में ठीक ठाक काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बन चुका है, जहाँ पर ये जा रहा है वहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे, वो एक्स्ट्रा ऐड क्या होगा, मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट रखना चाहूँगा जो टूल टिप हुआ नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्या रखूँ, H1, तो सॉरी ये हमारा HTML एलिमेंट है, इंट इन इसको हटा दें, H1, ठीक है। उसका करेंगे वेलकम टू आवर YouTube चैनल, ठीक है। देन उसके बाद H1 को थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे जल्दी से, H1, ठीक है। सबसे पहले फोन साइज को इंक्रीज करना चाहूँगा, ठीक है, कितना, फॉर देम टेक्स्ट लाइन सेंटर, इतना हो चुका है। एंड हम यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है डिस्प्ले फ्लेक्स स्पेसिफाई कर दें सेंटर एंड लाइन आइटम सेंटर, तो बेस्ट लाइन नोट मुझे यहाँ पर सेंटर देना था, इसलिए वो सेंटर पे क्यों नहीं, देख रहे हो ये सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। बट टेक्स्ट के ऊपर जाते ही ये हमारा टेक्स्ट को हिडन कर दे रहा है, ठीक है। और वेलकम का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, ई रख देते उसमें। तो हम इसमें करेंगे क्या, ठीक है, जो हमारा टूल टिप कहाँ गया यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो हमारा मिक्स ब्लेंड मोड है, ठीक है, उसको डिफरेंस कर देंगे। देन आप देखेंगे यहाँ पर जाते ही ये हमारा आ जा रहा है वाइट कलर, ठीक है, सारे दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। और जो मेरा वाइट कलर था देन ये डिफरेंट कलर हो चुका है। इफ मैं यहाँ पर H1 को रख दूँ, ठीक है, जिससे मेरा, तो H1 पर रखने के बाद वो गायब हो चुका है, तो ये सिमिलर देते और हमारा काम हो चुका है। देन आप देख लेंगे ये हिडन नहीं हो रहा है, ये हमें दिख रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमने थर्ड प्रोजेक्ट भी अच्छे से कंप्लीट कर दिए। इफ आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का, ठीक है। तो इसमें हमने थ्योरी कंप्लीट कर ले, तो 4 आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसको बनाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, और इसको फुल कंप्लीट करेंगे। टोटल 30 प्रोजेक्ट है, 10 सिंपल, 10 बेसिक, 10 इंटरमीडिएट एंड 10 एडवांस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।